दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित फार्मेसी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि कमर पे इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, यानी कि हिप में इंजेक्शन लगाने का सही तरीका होता है तो उसको कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इंजेक्शन में दवाई भरना है, ठीक है, और दवाई भरने के बाद में उसमें इतना ध्यान रखना है कि इंजेक्शन में कोई भी थोड़ा सा भी एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़रा सा भी एयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है आपके अंदर ये इन्फेक्शन कर सकता है, यानी कि आपके जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ पे सूजन आ सकती है और व्यक्ति को पेन हो सकता है, यानी दर्द हो सकता है। तो इसलिए आपको कैसे भी करके इस एयर को निकाल देना है, ठीक है, ये आपको बहुत पहले बहुत ही सावधानी से इसको निकालना है, ये आपको सबसे पहले काम करना है। उसके बाद में आपको नीडल को स्प्रिट कॉटन से साफ़ करना है, ठीक है। इसके बाद में आप जब ये इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ढक के रख देना है, ठीक है। आप देखिए इंजेक्शन लगाने का जो सही तरीका है तो आप देख लीजिए, ये इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ करके, यानी कि इस बटक को आपको चार बराबर भागों में बांट देना। सबसे पहले आपको चार बराबर भागों में इसको बांटना है, ठीक है। देखिए ये जैसे जैसे आप इस पे वीडियो में देख रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। देखिए इसके चार भाग कर दिए गए हैं। अब चार भाग करने के बाद में आपको इस साइड में, यानी कि बाहरी साइड में, ये तो चारों हिस्से में है, इनमें आपको किसी में नहीं लगाना है, इसमें बाहरी हिस्से में जिसमें निशान लगाया जा रहा है उसी में आपका इंजेक्शन लगेगा। तो इसको देख लीजिए कैसे इसको अंदाज़ा लगाया गया है, ऐसे आप नाप करके इसको ये पॉइंट आप पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसी एरिए को जहाँ पे ये इंजेक्शन का टिक आ रहा है वहाँ पे आपको स्प्रिट कॉटन से इसको साफ़ कर लेना है इस एरिए को। इससे क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, जिससे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद इंजेक्शन जैसे आप लगाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, आप इंजेक्शन को पुश करेंगे, यानी कि इंजेक्शन को दाबेंगे। उसके बाद में इंजेक्शन लगाने के बाद में आप थोड़ा सा मालिश कर दें ताकि जो इंजेक्शन का लिक्विड है वो आसानी से फैल सके, वो अंदर की ओर जा सके, ये आपको ध्यान देना है।